What's up? Welcome back to Gravity Circle. और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो क्या हाल चाल सब बढ़िया चलिए तो पिछले वीडियो में पिछले दो पार्ट्स में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इंटीग्रेटेड इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नेचुरल लॉग इक्वेशन उनके ग्राफ और प्रेशर रिलेटेड टर्म्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था और आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक एक बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा टॉपिक दैट इज सूडो सूडो फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले तो गाइस एक बात ध्यान रखो आप अगर चाहो तो नोट्स बढ़िया बनाओ मेरे वीडियोस देखकर हर एक चीज इसके अंदर मिली है हर एक चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी तो आप बिल्कुल चाहें तो नोट्स यहां से बना सकते हैं एंड अगर ऐसा लगता है कि नहीं नोट्स हमें सर के बने बनाए चाहिए तो आप ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर नोट्स को बाय कर सकते हो इस वहां पर बाय का ऑप्शन है तो दोज आर इंटरेस्टेड वहीं वहां पर जाएं और नोट्स वहां से ले सकते हैं ठीक है चलिए तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बात शुरू करते हैं इसकी सबसे पहले मेरे लाडलो इस बात को समझो कि सूडो बोले तो फॉल्स सूडो बोले तो बोले तो बोले तो फॉल्स सूडो बोले तो फॉल्स कैसी फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब नकली है ये, ये नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर भी हो सकती है रिएक्शन थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है लेकिन दिखेगी कैसी दिखेगी फर्स्ट ऑर्डर इट प्रिटेंड्स इट प्रिटेंड्स टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती नहीं है फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को टीचर होना प्रिटेंड करता हूं तुम लोगों के सामने कि मैं टीचर हूं लेकिन अंदर से मैं तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूं जिसे रोस्टिंग करना बहुत पसंद है जिसे एम सी बी सी स्क्वेयर करना बहुत पसंद है जिसे ठिलवाई करना ठरकी गिरी करना बहुत पसंद है मेरे अंदर से आता है कि मैं YouTube पर उटपटांग तरीके की वीडियो डालूं, लेकिन फिर मुझे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि ये आपके लाइन की बात नहीं है आप ऐसा मत करो तो मैं फिर खुद को कंट्रोल करके वही ग्रेविटी की टी शर्ट पहन के पढ़ाने लग जाता हूं तो मैं प्रिटेंड कर रहा हूं आई एम अ फॉल्स पर्सन आई बात समझ में ठीक उसी तरह रिएक्शंस होंगी कुछ और लेकिन दिखेंगी कैसी फर्स्ट ऑर्डर बोलो हां कि ना बात को पकड़ पाए कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर तो यहां पर ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच प्रिटेंड्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आगे फॉर एग्जाम्पल एक बात और हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे दैट देयर आर सम रिएक्शन देयर आर डिपेंड्स ऑन विच डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस मतलब यहां पर आपकी केमिकल रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी अब देखो मैं कंडीशन यहां पर क्रिएट कर रहा हूं लेट से मेरे पास में ईस्टर है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव मेरे पास में इस नाम का एक ईस्टर है इसके मैंने वन मोल ले लिया कब लिया जब टाइम जीरो था मतलब जब केमिकल रिएक्शन की शुरुआत हो रही थी तब मेरे पास में ईस्टर का वन मोल था और मैंने पानी लिया लेकिन बच्चों राज दुलारो ये जो वाटर है यहां पर आप देखोगे कि वॉटर हंड्रेड मतलब वाटर यहां पर एक्सेसिव क्वांटिटी में है तो यहां पर ये डेवलप हो गई आपकी एक कंडीशन दैट द वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेसिव क्वांटिटी वाटर यहां पर कैसी क्वांटिटी में प्रेजेंट है एक्सेस में तो यहां पर आप देखोगे कि जब रिएक्शन काम करेगी तो किस तरीके से करेगी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ इस तरीके से टूट जाएगा सी टू एच फाइव अलग हो जाएगा पानी भी दो पार्ट में टूटता है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव तो यहां से निकलेगा ओ OH, एच इस सी टू एच फाइव के साथ जुड़कर बना लेगा सी टू एच फाइव ओ एच बोलो यस और नो ठीक है फिर पानी का बचा हुआ एच इसके साथ कंबाइन होकर बना लेगा सी एच थ्री सी ओ एच तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन पूरी हो गई ये बन गया आपका एसेटिक एसिड दिस इज योर एसेटिक एसिड एंड दिस इज योर इथेनॉल क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को जब केमिकल रिएक्शन की शुरुआत हुई होगी तब तो ये जीरो जीरो मोल्स रहे होंगे लेकिन इमेजिन करो टाइम टी यानी टी पर टाइम <laughs> टी पर क्या हुआ केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गई क्योंकि रिएक्टेंट की मात्रा जीरो हो गई अब आप यहां पर देखो कि एक मॉलिक्यूल ईस्टर के साथ एक मॉलिक्यूल वाटर लग रहा है तो एक मोल ईस्टर के साथ भी एक मोल वाटर लगेगा तो बाकी का वाटर तो यहां पर बच गया 99 मोल्स वाटर के बच गए और एक मोल आपको एसिटिक एसिड मिला और एक मोल आपको इथेनॉल मिला तो प्यारे बच्चों यहां पर आप देख रहे हो दैट दिस रिएक्शन इज बेसिकली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों क्योंकि यहां पर वॉटर का मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेटिंग है इसके ऊपर भी काम इसके ऊपर भी मतलब डिपेंडेंसी होनी चाहिए और ईस्टर के ऊपर भी डिपेंडेंसी होनी चाहिए तो जब आप इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे सो रेट इज इक्वल टू के डैश एक्टिव मास थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ वाटर समझ मारी मेरे प्यारे बच्चों बात लेकिन आप एक बात समझो कि पानी के मोल्स के अंदर कोई खास बदलाव नहीं आया है मतलब सो मोल्स हो या नाइन मोल्स हो बात लगभग अपने लिए एक है मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि आपने समुद्र में से एक ग्लास पानी भर लिया या आपने एक हजार लीटर की टंकी में से थोड़ा सा ऐसा पानी हाथ से निकाल के पी लिया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो हम लोग एक काम करते हैं कि क्यों ना के डैश एच टू ओ को पूरी टर्म को भाई ये भी कॉन्स्टेंट है जिस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्स्टेंट

फर्स्ट ऑर्डर दिख रही है इस रेट लॉ के हिसाब से रिएक्शन कैसी दिख रही है आपको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बिकॉजेंट एंड के डैश मल्टीप्लाई बाई एच टू किसके बराबर हो गया K के के बराबर हो गया क्या बात समझ में आपको तो रिएक्शन में वॉटर और ईस्टर दोनों का रोल है दोनों का काम है लेकिन कंडीशंस ऐसी है कंडीशन ऐसी है कि वाटर इतना ज्यादा हाई क्वांटिटी में है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन पर कोई ज्यादा खास फर्क पड़ नहीं रहा है मतलब जितना यूज हो रहा है उतना तो यूज हो जाएगा लेकिन यूज होने के बाद भी ये एक्सेसिव क्वांटिटी में ही है तो जब इतना एक्सेसिव क्वांटिटी में है तो फिर इसके हो नहीं हो हो तो फर्क तो पड़ेगा भाई पानी ना हो तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी लेकिन इतनी एक्सेसिव क्वांटिटी में है कि उसको कांस्टेंट माना जा सकता है ऐसा अपन बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है तो अपन ने उसको क्या करा के डैश मल्टीप्लाई करके एक नाम का कांस्टेंट ले लिया इन दिस रिएक्शन रिएक्शन इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट ऑर्डर क्या है मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है क्या है इसके अंदर किसी भी तरीके का आई रिपीट किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम फटाफट इसको नोट करने के बाद मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल और लिखवा देता हूं एक तो ये एग्जाम्पल हो गया एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर ऊपर भी फटाफट से लिख देता हूं आप दो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं पहला एग्जाम्पल ये दूसरा एग्जाम्पल अगर आपके पास ना, सक्कर है मेंट सक्कर। इज सक्कर जो हम खाते हैं पानी में मिला के चीनी पानी में मिला के नहीं किसी भी चीज में मिला के हलवे वगैरह में आम के रस वगैरह में चकाचक शुक्रोश शुक्रोश तो शुक्रोज जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा शाबजी तो ये C6H12O6 बनाएगा शाबजी और ये भी बनाएगा C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज सुक्रोज नहीं फ्रुक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज तो प्यारे बच्चों ये केमिकल रिएक्शन भी कैसी है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या ये बात भेजे में घुस गई क्या समझ में आ गई क्या तो इसको जरा छपत छपू छुपू करेंगे इसको फटाफट से फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं पहले फटाफट छापो इसको नोट करो फटाफट हाँ मेरे प्यारे बच्चों ठीक है लिख लिया चलो अब मैं आपको इसका एक काम करता हूँ लिखवा देता हूं क्योंकि आपने बोला है कि सर नोट्स बनाओ वीडियो देख के पर डेफिनेशन तो लिखा ही नहीं बिजनेस मैन बिजनेस बिजनेस <laughs> चलिए डेफिनेशन लिखेंगे ऑर्डर रिएक्शन की क्या है मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शन दिख फर्स्ट ऑर्डर रही है लेकिन क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है नहीं तो हम यहां पर लिखेंगे अ रिएक्शन अ रिएक्शन अ रिएक्शन विच मे बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अ रिएक्शन विच मे बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और अब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर मतलब इसकी मोलिकुलेरिटी क्या थी टू इधर से एच टू इधर से टकरा रहे थे, तो दो लोग टकरा रहे थे दो मॉलिक्यूल टकरा रहे थे तो मोलिकुलरिटी टू होगी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन रिएक्शन विच मे बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और अ मॉलिक्यूलर रिएक्शन और अ मॉलिक्यूलर रिएक्शन विच मेड टू Which made to behave, जिसे बिहेव करने पर मजबूर किया गया विच मेव टू बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच मेड टू बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसके मार कूट के बाल नोच के इसको क्या किया गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करवाया गया तो ऐसी रिएक्शन को बोलते सूटो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय कैसे किया गया बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन एल टी आर आई एन जी ऑल्टरिंग ऑल्टरिंग दंडीशन लाइक कैसी कंडीशन ऑल्टर कर रिएक्टेंट की कंडीशन को ऑल्टर करना जैसे कि हम लोगों ने यहां पर वॉटर को एक्सेस कर दिया था रिक्वायर एक मोल था लेकिन हमने उसको एक्सेस कर दिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कर दिया तो इंक्रीज भी कर सकते हो और कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन में इसको डिक्रीज भी कर सकते हो यानी इतना डिक्रीज कर दो कि वो ना के बराबर हो जाए तो ऐसा भी होता है तो ये हो गई आपकी मेरे लाडले बच्चों की डेफिनेशन अब मेरे लाडले बच्चे जल्दी से डेफिनेशन लिखेंगे तब तक मैं भाग के जाता हूं और ले आता हूं हमारी गीता बाइबल कुरान एन जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं एक पहले इसको जरा छापे हो गया बेटा प्यारे बच्चों चलिए डेफिनेशन थोड़ा सा अंकल के बारे में और पता चल जाएगा और सूडो अंकल को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता चल जाएगा तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें इन्होंने मिथाइल एसिडेट देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं हाइड्रोलेसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड मिथाइल एसिटेट का हाइड्रोलेसिस किया गया मिथाइल एसिटेट का हाइड्रोलेसिस किया गया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस एच टू ओ मिथाइल एसिटेट के हाइड्रोलिस करने पर आपको यह मिला होगा क्वेश्चन में यह गिवन नहीं है पर हम लोगों को पता है कि यही मिलेगा इसलिए हम लोगों ने इसको यहां पर लिख लिया और बोला गया कि इसकी आपके पास में कुछ रीडिंग्स अवेलेबल है क्या रीडिंग्स अवेलेबल है वो देखते हैं टाइम पर मिनट एक तरफ दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर आपको दे रखा है टाइम जीरो थर्टी सिक्सटी नाइनटी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है जीरो पॉइंट एट फाइव डबल जीरो जीरो पॉइंट एट डबल जीरो फोर जीरो पॉइंट सेवन फाइव थ्री एट एंड जीरो पॉइंट सेवन जीरो नाइन सिक्स आपको बोला गया है कि इस केमिकल रिएक्शन को आपको शो करना है शो दैट शो दैट इट इज अडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट इट्स अवडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपको इसको यह पहली बार शो करनी है और बोला गया है शो दैट इट्स अ अडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज एज द कॉन्सेंट्रेशन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर रिमेन्स नियरली रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट यानी कि यह बोल रहा है कि पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नियरली कॉन्सटेंट है और कितना दे रखा है फिफ्टी फाइव मोल्स पर लीटर इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और आपको इसके साथ साथ में ऑल्सो द वैल्यू ऑफ के डैश आपको के डैश की वैल्यू भी इसके अंदर फाइंड करनी है तो प्यारे बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे राज दुलारे बच्चे छोटे छोटे से बच्चे मेरे इतना खतरनाक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अभी तो छोटे हैं सारे बच्चे कैसे करेंगे जरा सोचो मैं बताता हूं सबसे पहली बात मैं आपको एक ट्रिक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं हमेशा ध्यान रखना दैट इफ द रेट कांस्टेंट इफ द रेट कांस्टेंट के इफ द रेट कांस्टेंट के डू नॉट वेरीज

दैट द रिएक्शन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चे इस बात को बहुत गौर से सुनेंगे अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगाई है वॉट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉइंट टी लॉग बेस टेन ए नॉट अपॉन ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने ये इक्वेशन लगाई है अगर आपने ये इक्वेशन लगाई है और अगर आप देखें कि k की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ रही है विथ टाइम तो इसका मतलब यह है कि ये जिस इक्वेशन या जिस रिएक्शन के लिए आप लगा रहे हो वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है कैसे देखो आपके पास में पहली कंडीशन क्या बनेगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी जब टाइम जीरो होगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये होगा तो ये मेरे प्यारे बच्चों का ए नॉट हो गया अब जब तीस मिनट हुए तो इतना कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो पहले केस में पहले केस में ए नॉट की जगह ये वैल्यू आएगी और ए की जगह ये वैल्यू आएगी और t की जगह 30 सेकंड्स आएगा इसके लिए कुछ k की वैल्यू निकलेगी फिर अगली बार में केस नंबर 2 में a नॉट की जगह तो यही आएगा क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है लेकिन अब a की जगह ये वैल्यू आ जाएगी और t की जगह जीरो से 60 मिनट्स होगा तो 60 आ जाएगा इसके लिए भी कुछ k की वैल्यू आ जाएगी तीसरे केस में a नॉट की जगह तो यही रहेगा लेकिन a की जगह अब ये आ जाएगा और 2.303 पॉइंट थ्री जीरो टी की जगह जीरो से 90 मिनट की वजह से यहां पर नाइनटी आ जाएगा इसमें भी आपको कुछ के की वैल्यू मिलेगी तो अगर आप इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगा रहे हैं और अलग अलग केसेस में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में अगर के की वैल्यू सेम आती है फर्स्ट केस के लिए तीस मिनट वाले के लिए साठ मिनट वाले के लिए नब्बे मिनट वाले के लिए अगर सबके लिए वैल्यू के की सेम आती है ज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज अडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या ये बात समझ में आ रही है क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट और टाइम वेरी करता है जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे रेट भी वेरी कर सकता है वेरी करता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर यह बात होती है कि उसका रेट वेरी कर जाता है लेकिन सूडो के अंदर ऐसा नहीं होता क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट पक्की बात इसको जरा नोट करो फिर रब करके इसको मैं आगे सॉल्व करवाता हूं जरा नोट करो इसको फटाफट -फड़। इस स्टेटमेंट को नोट कर लो चलो प्यारे बच्चों ठीक है अब जुट जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप में और बेग पाइपर सोडा खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार आप में और बेग पाइपर सोडा हा चलिए केस नंबर वन केस वन केस वन में k इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री जीरो से थर्टी मिनट्स हो गए तो टाइम हो जाएगा थर्टी मिनट्स log बेस टेन ए नॉट क्या है जीरो पॉइंट एट फाइव डबल जीरो अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है एट डबल जीरो फोर यह आपका केस वन हो गया लेट मी ब्रिंग द कैलकुलेटर क्योंकि कैलकुलेटर के बिना मैं क्वेश्चन करूँगा और अगर गलत हो गया तो मुझे बहुत प्यार मिलेगा काफी लोगों की तरफ से काफी बहुत प्यारी प्यारी बातें मिलेगी सुनने को अबे नहीं आता पढ़ाने तो क्यों आ जाता है यूट्यूब पर साला कचरा हो गया कचरा ऐसा बोलते हैं लोग मेरे को तो के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन थर्टी लॉग बेस टेन वन पॉइंट जीरो सिक्स प्यारे बच्चों लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो लेकिन ये जीरो सिक्स है पॉइंट जीरो सिक्स तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती तो एक बात आपको मैं बता देता हूं लॉग बेस टेन वन पॉइंट जीरो सिक्स की वैल्यू नियरली अराउंड जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव के आसपास होती है तो एक काम करते हैं ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट जीरो सिक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर फोर वन एट डिवाइडेड थर्टी ठीक है क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को चलो तो अपन यहां पर इन वैल्यूज को रखते हैं अरे सॉरी 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 मैंने वन पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव रखना सोरी, सोरी तो एक बार देख लेते हैं टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस टेन वन पॉइंट जीरो वैल्यू क्या जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेवन फाइव सेवन डिवाइडेड बाय थर्टी तो इसकी वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन नाइन वन नाइन तो क्या मैं इस डेसिमल को यहां पर तीन डिजिट खसका दू एक दो तीन वन पॉइंट नाइन टेन की पावर माइनस थ्री आएगी और यूनिट पर मिनिट रिएक्शन की यूनिट बनाई है डेफिनेशन ली है ठीक है चलिए केस वन देख लिया मेरे प्यारे बच्चों को मजा आया इसमें केस टू की तरफ चलते हैं केस इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टाइम अप 60 मिनट्स हो जाएगा लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो डबल ही रहेगा लेकिन अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर लेता हूं मैं डिवाइड जीरो पॉइंट एट फाइव डबल जीरो जीरो पॉइंट एट फाइव डबल जीरोड बेस टेन वन पॉइंट वन टू इसकी वैल्यू 0.049 होती है इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों तो जब अपन यहाँ पर के की वैल्यू रखेंगे तो लॉग बेस 10 कितना आएगा ये कट करके 1.12 लॉग बेस 10 2.303 लिख देता हूँ लॉग बेस 10 1.12 डिवाइडेड बाय 60 नाउ 0.049 0.0 फोर नाइन मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री सिक्सटी वही लगभग वैल्यू आ रही है एक्चुअली इसको अपन जीरो पॉइंट जीरो फाइव भी लिख सकते हैं so, uh, 60। तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडेड बाय सिक्सटी तो वही वैल्यू आ रही है कि दैट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन नाइन वन नाइन आप देखो सेम ही वैल्यू आ रही है तो के की वैल्यू में लिख देता हूँ वन पॉइंट नाइन टेन की पावर माइनस थ्री पर मिनट अब मेरे लिए कुछ और बोलना शायद ठीक नहीं होगा अब मैं अपने आप को चुप कर लेता हूं और आप लोगों के हाथ में डिसीजन छोड़ता हूं कि क्या जीरो से नाइन्टी मिनट के लिए भी k की वैल्यू निकालना जरूरी है k की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है आप करके देख लो आप चाहो तो घर पे करके देख सकते हो अब आप थर्ड केस में यह तो यहीं पे रखो और ए की जगह यह रख दो तो और टाइम की जगह रख लो के की वैल्यू यही मिलेगी के की वैल्यू आपको यही मिलेगी तो यहां पर अगर के की वैल्यू सेम आ रही है मतलब इट प्रूव दैट इट इज अडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि अगर के की वैल्यू डिफरेंट होती तो यह सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो यहां पर एक चीज क्या प्रूफ हो गई देयर फोर द वैल्यू ऑफ के दे आर फोर द वैल्यू ऑफ के इज कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट विथ चेंज इन टाइम इज कॉन्स्टेंट विथ चेंज इन टाइम टाइम के साथ चेंज होने पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सेम आ रही है देयर फोर इट इज अट इज अट इज अट इज अडो सू डो सू डो सू डो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज अडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ला लो क्या बात समझ में आ गई मेरे बच्चों ब्रुर। मेरे भ्र वाले बच्चों चलो ठीक है आगे बढ़े चलिए वेरी गुड अब पहला क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो गया अब दूसरे क्वेश्चन में ये तो कह रहा है ऐसी कि के डैश की वैल्यू निकालो तो ऐसी एक काम कर दे कि के डैश की वैल्यू निकालते हैं चलो काके आगे बढ़ते हैं की के डैश की वैल्यू निकालते हैं सो वी ऑल नो दैट के डैश मल्टीप्लाई बाय एच टू इज इक्वल टू के अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो जरा वीडियो बैक कर लो अब भी कुछ देर पहले सिखाया था के डैश मल्टीप्लाई बाय एच टू इज इक्वल टू के अब आप यहां पर लगातार के की वैल्यू तो निकाल रहे हो आपने पहली बार भी के की वैल्यू निकाली कितनी आई थी वन पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री पर मिनट तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा इजी बना के टू कर लेते हैं के डैश मल्टीप्लाई बाय अच्छा और क्वेश्चन की शुरुआत में आपको दे रखा था डेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉन्स्टेंट इज 55 मोल्स पर लीटर है ना तो यहां पर के की जगह एक काम करते अपन 55 मोल्स पर लीटर लिख देते हैं इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है टू इंटू टू दावर माइनस थ्री पर मिनट मैंने इसको अप्रोक्सीमेट घुमा के लिख दिया इसको डिवीजन में ले जाओ सो के डैश इज इक्वल टू टू इन टू टेन टू दावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फिफ्टीन मोल्स पर लीटर होने की वजह से लीटर ऊपर चला जाएगा और पर मिनट होने की वजह से मिनट नीचे आ जाएगा कुछ ऐसी यूनिट दिखेगी आपको इसको मैं एक बार और बल्ले बल्ले पुर कर देता हूँ ठीक से इसको मैं कर देता हूँ टू डिड बाई फिफ्टी फाइव दैट इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री यूनिट क्या बन जाएगी पर मोल लीटर पर मिनट पर मोल लीटर पर मिनट अच्छा आप चाहें तो इसको दो डेसिमल इधर खसका के इसको बल्ले बल्ले पूर् कर सकते हैं दट इज थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव पर मोल लीटर पर मिनट क्या बात समझ में आ गई दिस इज द वैल्यू ऑफ के डैश तो ये आपके के डैश की वैल्यू आगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे मिल सकते हैं जेई और नीट वगैरह के अंदर बोर्ड एग्जाम में या आ जाए तो आ जाए नहीं तो बोर्ड एग्जाम में तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर वहीं पर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है यहां तक तो वो बेचारे आ ही नहीं पाते तो गाइस मेरे बच्चों यहां पर कंसंट्रेशन का काम खत्म यहां पर हमने ये देख लिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है अब अगले वीडियो में हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करना शुरू करेंगे आरेनियस इक्वेशन की तरफ बात करना शुरू करेंगे आई थिंक अप्रोक्सीमेटली दो और वीडियोस में चैप्टर फिनिश ठीक है चलिए सुपो तो फटाफट इसको नोट करेंगे बाकी बातें अगले लेक्चर में तो सी यू गाइस अ ग्रेट डे टाटा